किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, मैंने अभी दो वीडियो डाली थी जो जैविक खेती के ऊपर। एक वीडियो में मैंने मिट्टी से माइक्रोन्यूट्रेंट और जैविक पेस्टिसाइड बनाने की विधि बताई थी। उस जो मिट्टी के प्रयोग की जो वीडियो थी उस पर कुछ प्रतिक्रिया हुई। मुझे ये बताया गया कि ये विधि मूल रूप से जो CVR विधि कहलाती है, जो एक वेंकट रेड्डी हैं, चिंतला वेंकट रेड्डी, ये विधि उनकी बनाई हुई है और उन्होंने उस पर पेटेंट भी लिया है। किसान भाइयों, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। दूसरे किसान करते हैं, जो मुझे बताया मैंने भी किया, बिल्कुल अनजाने में किया। और आपने मेरी सभी वीडियो को जो देखा होगा, मैंने कभी भी जो मुझे किसी ने बताया है तो उसका नाम लिया है और उसका प्रॉपर रेफरेंस दिया है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये मेरी विधि है। किसान भाइयों, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने माननीय श्री वेंकट रेड्डी जी का मैंने इसमें नाम नहीं लिया, और इसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी। जो ये मिट्टी की विधि है, ये CVR के नाम से है और मुझे बताया गया कि ये वेंकट रेड्डी साहब ने इसको इजाद किया था, यानी इसका बताया था कि इस विधि से आप कोशिश करूंगा आगे से कोई इस तरह की। आज का मेरा दूसरा बिंदु है गेहूं की जैविक खेती। ग्रुप पर मेरे से पूछा गया है, त्यागी जी क्या आप गेहूं की जैविक खेती कर रहे हैं? तो जिस प्रकार कर रहे हैं हमें भी बताइए, हम भी करें। श्री सुरेंद्र सिंह और संकल्प शर्मा के प्रयोगों से उत्साहित होकर मैंने ये जैविक खेती भी करने का निश्चय किया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरी जो ये धान है, ये 1121 है, ये 2-3 दिन में कटने वाली है, पूर्णतः जैविक, और इसमें कोई भी रोग नहीं आया। इसकी मैं जिस दिन ये कटेगी उस दिन इसकी वीडियो बनाकर पूरा सब चीज़ आपके साथ साझा करूँगा कि मैंने इसमें क्या क्या दिया था। पहले भाग में मैंने बताया था कि 1121 की जैविक खेती, दूसरे भाग में मैं पूरा ये बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या किया। अब आते हैं गेहूं की जैविक खेती पर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उस खेत में मैंने क्या क्या किया। उस खेत में 1.5 महीने तक मैंने ढेंचा और उड़द बोए थे, जो हरी खाद का काम किया, उसकी बुआई की थी। उसके बाद मैंने उसमें 2 दिन का गोबर ताजा पेशाब में मिलाकर जानवरों के डाला था, वो सब विधि आपको बताऊंगा। उसमें मैंने 1 क्विंटल जो मेरा जैविक खाद था, जो वर्मी कंपोस्ट में बनाता हूँ, उसमें मेटारिजियम मेनेंसेपोली और ट्राइकोडर्मा मिलाकर डाला। अब मैं क्या क्या डलवाऊंगा ये भी बताऊंगा, और जिस दिन इसमें वो डलवाऊंगा उसका मैं दूसरा भाग। तो इस पर मैंने 3 से 4 भाग बनाने का निर्णय लिया। पहला भाग आज मैं बताऊंगा कि अभी तक की क्या तैयारी हुई और क्या चल रही, ताकि आप भी शुरू करें। दूसरे भाग में जो बुआई से पहले की तैयारी होगी, जब बुआई से पहले की सिंचाई होगी, जो 4 से 5 दिन बाद होगी, और फिर जो बुआई करेंगे उसमें तीसरा भाग होगा, और बुआई से पहले की तैयारी में दूसरा भाग होगा। आज इसका पहला भाग। तो आइए देखते हैं जैविक गेहूं की किस प्रकार तैयारी करते हैं। ये गेहूं बंसी नाम का गेहूं है, जो कि मुझे बताया गया है बंसी और सरबती दो बहुत अच्छे गेहूं होते हैं, जो सुसाड़ा गांव है, मेरे गांव से कुछ दूरी पर है, देवबंद के पास है, ये देवबंद मंगलोर के बीच में है एक सुसाड़ा गांव, वहां पर विजेंद्र सिंह जी हैं जिनके यहाँ से मैं ये बीज ला रहा हूँ। उन्होंने किया है कि मैं 15 किलो बीज आपको दे दूँ, और बिल्कुल साफ बीज मुझे बताया गया कि उनके पास। चलिए देखते हैं कि इस समय क्या तैयार। वो मेरा खेत है, आप देखिए, ये 2.25 बीघे है। हमारे यहाँ 4048 स्क्वायर मीटर में 1 एकड़ होता है, और 1 एकड़ में 6 बीघे माने जाते हैं, तो उस हिसाब से लगा लीजिए 2.25 बीघे का है, जिसमें मैं जैविक गेहूँ कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मुझसे किसी ने टेलीग्राम ग्रुप पर पूछा था कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, हमें भी बताएं।
किसान भाइयों, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें ढैंचा था, ढैंचा और उड़द मैंने बोए थे, थोड़े खड़े हुए भी दिखाई देंगे आपको। इसको डेढ़ माह तक जब मैंने ढैंचा बोआया था, तो उससे पहले इसमें एक क्विंटल अपना जो मेरा जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उसमें मैंने ट्राइकोडर्मा और मेटारिजियम एनासेपोली मिलवाकर इसको बिखरवाया था और फिर इसको ढैंचे को बोया था। बहुत अच्छा ढैंचा हो गया था, करीब वो 2.5-3 फुट का होकर, करीब 2.5-3 फुट का मैंने इसकी बुहाई करवा दी थी। जब मैंने इसकी बुहाई करवाई इस खेत की, तो उस समय मैंने बुहाई करवाने के बाद में, ये देखिए, ये यहाँ पर मेरा ड्रिप का पाइप है, ये पाइप है यहाँ पर, ये पाइप है, तो इसको मैंने खोल दिया और जब इससे पानी दिया, तो इसमें एक क्विंटल गोबर, जो 2 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें 20 लीटर पेशाब, जो जानवरों का मूत्र इकट्ठा किया था, उसको मिलवाकर और फिर उसे टब में अच्छी तरह घुलवाया, इतनी अच्छी तरह उसका जो उसका एक मिश्रण सा बन गया, इतना पतला कर दिया कि उसे हाथ से मिलाकर उसमें कोई गुठली ना बचे, उसको मैंने सिंचाई के समय धीरे धीरे यहाँ से डलवाया, इस जगह से, देखिए ये जगह है, यहाँ पर बैठा दिया मैंने और डब्बे से जब तक डालते रहे, जब तक ये खेत पूरा भर नहीं गया, यहाँ पर डालते रहे। और करीब आज ये 10 दिन के बाद खेत इस प्रकार हो गया है। तो मेरे पास कुछ खाद पड़ा था, ये करीब एक ट्रोली खाद होगा, तो मैंने कहा इनको कि इसमें ये खाद डाल दो और आज शाम या कल सुबह इसकी मैं हैरो से जुताई करवाऊंगा, तो जो ये डंडी सी बची हुई है ये सब उसमें मिल जाएंगी। क्योंकि जिस टाइम मैंने इसकी बुहाई करवाई थी ढैचे की, ये थोड़ा खेत गीला था तो पूरी तरह नहीं कटी थी, तो इस प्रकार इस खेत को हरी खाद मिल गई। और ये मैं जो बचा हुआ खाद डलवा रहा हूँ, तो इसमें हैरो चलवाऊंगा और हैरो के एक दिन बाद इसमें एक बार टीलर से इसको निकलवा दूंगा। टीलर निकालने के बाद 3 दिन इसको धूप लगेगी और धूप लगने के बाद आप ये देखें, इस प्रकार से ये मेरे सर्वेंट जो है नौकर खाद डाल रहे हैं। जब इसमें 2-3 दिन धूप लगी, धूप लगने के बाद सिंचाई करवाऊंगा, उस सिंचाई में मैं इसमें मेटारिजियम एनासेपोली लाया हूँ मैं, जो काली चक्र है IPL कंपनी का, तो 2 किलो उसको पानी में मिलाकर दूंगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब तक इसकी बुहाई के लायक होगा, ये बुहाई के लायक होगा। और इसमें 1 लीटर जो इफको का NPK आता है, बायो NPK, जिसे हम कंसोर्सिया बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के जीवाणु होते हैं, तो वो दूंगा मैं। तो इस प्रकार इस खेत की ताकत काफ़ी अच्छी बन जाएगी और किसी भी फफूंदी का कोई प्रकोप होने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा और जहाँ तक हो सके है खेत रोग मुक्त होगा। ये किसान भाइयों मेरा एक प्रयोग होगा। इसमें मेरे एक गांव के पास, गांव है सुसाड़ा, उसमें विजेंद्र सिंह जी हैं, उनके पास बंसी गेहूँ है, बंसी और सरबती दोनों देसी गेहूँ हैं, ये मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित हैं, और मैं उस गेहूँ को बोऊंगा और इस तरह से पूर्ण जैविक रखूँगा। किसान भाइयों, इससे पहले इसमें मक्का थी, मक्का में मैंने जैविक की थी, जिसके भुट्टे मैंने से निकलवा लिया था, क्योंकि भुट्टे पक चुके थे, मैं यहाँ नहीं रहता था। तो इस प्रकार ये खेत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा खेत है, बहुत ही मजबूत मिट्टी है इसकी, और मैं यहाँ पर ये गेहूँ करूँगा। जिस दिन इसमें मैं ये पानी दूंगा और जब ये मेटारिजियम एनासेपोली जो है ना, काली चक्र मैं लाया हूँ वो दूंगा और बायो कंसोर्सिया दूंगा, उस दिन भी मैं आपको दिखाऊंगा। किसान भाइयों, यहाँ पर मेरी 3 ट्रॉली खाद की पड़ी थी, जिसमें से लगभग 3 या 4 ट्रॉली थी, जिसमें से लगभग 3-3.5 ट्रॉली मेरी जून में प्रयोग हो गई थी जब मैंने खाद दिया था, और जो ये बचा हुआ है मैंने कहा इसको अब उठाकर खेत में डाल दो और यहाँ पर फिर मैं इस घास फूस के ऊपर इसको इकट्ठा कराऊंगा, साफ कराकर, और फिर 3 ट्रॉली गोबर डाल दूंगा और वेस्ट डिंगम पर जड़ दूंगा, जिससे कि मेरा खाद बनना
शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये था जैविक गेहूं की खेती की तैयारी। जो मेरा खेत है, किस प्रकार मैंने अभी तक इसमें काम किया, मैंने सब वो बताया, और आगे क्या करूँगा ये मैं आपको दूसरे और तीसरे भाग में दिखाऊंगा। और बीच बीच में इसकी जो भी वीडियो होंगी, कैसी होंगी, क्या इसमें दवाई डालूंगा, क्या इसमें खाद डालूंगा, और समय समय पर मैं ये दिखाऊंगा जब तक गेहूँ पक नहीं जाएंगे। तो ये एक सीरीज हो। किसान भाइयों, एक बार फिर इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इतने अच्छे एक व्यक्ति का, जिसने हमें एक नई तकनीक दी है, उसका रेफरेंस नहीं दिया। मैं एक बार फिर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को, कोई मेरी बात को मान लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।